तो आज मैं तुम्हें दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे तुम इजीली अपने डायमंड के आर्मर एंड टूल्स कंप्लीट कर सकते हो एंड तुम्हारा टाइम भी कम वेस्ट होगा। एंड ऑल्सो लास्ट वाले तरीके में तो तुम्हें सीधा एनचेंटेड आर्मर मिलने वाला है, सो नेवर मिस दैट। सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग की, जिसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला केव्स माइनिंग एंड सेकेंड स्ट्रेट माइनिंग। सो केव्स माइनिंग में थोड़ा रिस्क होता है, बट अगर तुम्हें वो आती है तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम वही करो, क्योंकि केव्स में ज्यादा डायमंड मिलते हैं। बट मैंने अपना डायमंड आर्मर स्ट्रेट माइनिंग करके ही बनाया। Let's see how to do। सबसे पहले तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को कहते हुए सुना होगा कि -53 वाई लेवल बेस्ट है फॉर डायमंड माइनिंग, बट ये चीज हर वर्ल्ड में काम नहीं करती। तो फिर बेस्ट कोऑर्डिनेट कौन से हैं? ये डिपेंड करता है तुम्हारे वर्ल्ड पे। अगर तुम्हें भी अपने बेस्ट कोऑर्डिनेट जानने हैं तो तुम अपने वर्ल्ड की एक कॉपी बनाओ, जिसमें तुम एक्सरे पैक यूज करके -50 से नीचे सारे कोऑर्डिनेट्स देखो। जिस लेवल पे तुम्हें ज्यादा डायमंड देखने को मिलते हैं वो तुम्हारे वर्ल्ड के बेस्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। बाय द वे, एक्सरे मोड की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। तो मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड की एक कॉपी बना के उसमें -53 लेवल पे आया हूँ, जहाँ पे मुझे कम डायमंड देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू -51 लेवल। ऑफकोर्स -51 पे ज्यादा डायमंड है। ऑल्सो मैं 20 मिनट तक -53 लेवल पे माइन भी कर चुका हूँ, जहाँ पे मुझे सिर्फ 2 डायमंड मिले। एंड अब मैं करूंगा -51 लेवल पे माइनिंग, एंड मैं चंक माइनिंग करूंगा जिसमें हम साइड का एरिया क्लियर करते हुए चलते हैं। तो अब मैं मिलता हूं माइनिंग के बाद। ओके, सो 15 से 20 मिनट माइनिंग करने के बाद मुझे मिले पूरे 16 डायमंड्स। सो दैट्स मींस ये तरीका वर्क करता है। सो डायमंड का यूज करके मैंने बनाई एक चेस्ट प्लेट एंड एक लेगिंग, जिससे मेरा आर्मर कंप्लीट हो गया। बट हाउ डिड आई गॉट एनचेंटेड बूट्स एंड हेलमेट्स? सो देखो, तुम्हारे वर्ल्ड में एक विलेज तो होगा ही, तो उस विलेज में जाकर तुम्हें बनाना होगा एक टूल स्मिथ एंड एक आर्मर, जिनसे तुम ट्रेड करके इजिली एनचेंटेड टूल्स एंड आर्मर ले सकते हो। अब इस चीज को इसी वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बट अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो और मैं सभी को रिप्लाई दूंगा। एंड सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम अमेजिंग वीडियोस मिस ना कर दो। एंड या मुझे भूलना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।